जरा सोचिए कि अगर ये सारा प्लास्टिक वेस्ट एकदम से खत्म हो जाए तो क्या प्लास्टिक वेस्ट मैजिकली गायब हो सकता है? और क्या कोई क्रीचर प्लास्टिक को खा भी सकता है? वैक्सवर्म, ये एक ऐसा कीड़ा है जो दुनिया की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, प्लास्टिक प्रॉब्लम। वही प्लास्टिक जिससे छुटकारा पाने के लिए हम या तो इसको जला देते हैं, जिससे कि कई तरह के हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हम इनको लैंडफिल्स में डंप कर देते हैं, जहां ये सेंचुरीज तक एनवायरनमेंट, सॉइल और इवन एयर को भी पॉल्यूट करते रहते हैं, या फिर हम इसको रिसाइकिल करके यूज करते हैं। पर रिसाइकलिंग के दौरान भी प्लास्टिक को पिघलाया जाता है, जिससे कि टॉक्सिक फ्यूम्स और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। पर ये वैक्सवर्म इन तीनों से बेटर तरीके से प्लास्टिक को एनवायरनमेंट से गायब कर सकता है, क्योंकि ये वर्म्स इस प्लास्टिक को खा के इनको ऐसे मैटर में कन्वर्ट कर देता है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। करंट बायोलॉजी रिपोर्ट्स 2017 के हिसाब से वैक्सवर्म्स को हर तरह की प्लास्टिक को खाते हुए देखा गया है, और इनके प्लास्टिक खाने का रीजन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली वैक्सवर्म्स लार्वा की स्टेज में बहुत सारा खाना खाते हैं, और क्योंकि ये प्लास्टिक को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो ये प्लास्टिक जैसे सब्सटेंस को भी खाते ही रहते हैं, और पूप में प्लास्टिक को ग्लाइकोल नाम के मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक टाइप का अल्कोहल है, और ये सब्सटेंस काफी इजीली बायोडिग्रेड हो सकता है। तो जो प्लास्टिक 400 से 500 साल में डीकम्पोज होता है, वो प्लास्टिक इन वर्म्स की वजह से काफी जल्दी गायब हो सकता है। पर इस वर्म में ऐसा क्या है जो ये प्लास्टिक को भी खा के डाइजेस्ट कर लेता है? कनाडा के ब्रैंडन यूनिवर्सिटी की रिसर्च से पता चला है कि वैक्सवर्म्स के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये प्लास्टिक और स्टायरोफोम को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट ऑब्जर्वेशंस में ये भी पाया गया है कि ये वर्म्स सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की डाइट पे भी पूरी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्या अब हम प्लास्टिक जितना मर्जी यूज कर सकते हैं? नो, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इन वर्म्स पे प्लास्टिक का पूरा इफेक्ट अभी तक क्लियर ही नहीं है। ऑल्सो इन वर्म्स की प्लास्टिक खाने की स्पीड इतनी कम है कि हमारे प्लेनेट पे पड़ा सारा प्लास्टिक साफ करने में इन्हें कई सेंचुरीज लग सकती हैं। तो ऑब्वियसली हमें प्लास्टिक यूज को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। इन वैक्स वर्म्स की एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर इन वर्म्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ये बीज की पॉपुलेशन को काफी कम कर सकते हैं, और बीज हमारे प्लेनेट की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज हैं। हमने बीज की इम्पॉर्टेंस पे एक पूरी फिल्म बनाई है, तो आप हमारे चैनल पे जाके इम्पॉर्टेंस ऑफ बीज को सर्च करें और ये वीडियो जरूर देखें। तो क्या हमें इस वैक्सवर्म के बारे में जानकर खुश नहीं होना चाहिए? वेल यस, ये एक खुश खबरी तो है ही, क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि वैक्सवर्म में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्लास्टिक को बायोडिग्रेड कर सकता है, और क्या इस एंजाइम को आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है ताकि फ्यूचर में हमें प्लास्टिक को बायोडिग्रेड करने का कोई इजी तरीका मिल जाए। बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू टू अवॉइड प्लास्टिक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीक।